हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड्स? आज मैं करंट रीडिंग रीड कर रही हूँ आपके पार्टनर की। क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, और जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड बेस ऑफ द कार्ड एस ऑफ द स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब होता है कि वैंस। तो आपके पर्सन एक डेफिनेटली एक पैशनेट बिगनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। दिख रहा है आपकी बटरफ्लाई भी दिख रही है, कितनी कलरफुल बटरफ्लाईज दिख रही है, दिख रहे हैं। और किसी ने मुझे पूछा था, मुझे बटरफ्लाईज दिख रही है, जो दो बटरफ्लाई हाथ पकड़ के रखे, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपके और आपके पर्सन दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद में साथ में घूम रहे हो। इस तरह से आपको एक विजुअल फ्यूचर विजन दिया गया है। तो इस तरह से किसी को बटरफ्लाईज वो मेटिंग करते हुए दिखाई दे रही है, या जो बटरफ्लाईज हाथ पकड़ के घूमते हुए दिखाई दे रही है। तो मतलब डेफिनेटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई है। साथ में आपके साथ में आजू बाजू में लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। तो ये एस ऑफ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर्ड ड्रीम्स, अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली या तो आपकी लाइफ में हो रही है, आपकी या तो करियर बहुत अच्छी चल रही है, या आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पर्सन का एक करियर जो बहुत डाउन हो गया, तो मुझे लग रहा है एक नई शुरुआत उसके अंदर होती हुई दिख रही है। वो एक एक्शन लेने के मूड में, चाहे आपकी तरफ है, चाहे करियर की तरफ हो। हो सकता है वो एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो कि ताकि उनके करियर में पहले जो रुकावट है वो आगे बढ़ जाए उनसे, फिर उसके बाद में एक्शन ले आपकी तरफ। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देख रहे पर्सन का कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, और सेवन ऑफ स्प्रिंग्स और सेवन ऑफ समर और सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आ रहा है। तो इसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रहता है हमेशा, मतलब समझ रहे हो, वी असर्टिव, मतलब ये है ना, जो खुद की बातों पे है ना यकीन नहीं करते, या दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी आ जाती है, उसके वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होती है जो ये पर्सन है ना बिलीव करके दूसरों की बातों पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते। लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत चीज़ किया। मुझे ऐसे लग रहा है उनको सेवन ऑफ कप्स के अंदर बहुत सारा चीज़ सोच रहे, बहुत सेवन ऑफ कप्स, सेवन सात तरह की बातें सोच रहे। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रहे, कि इसमें बटरफ्लाई जैसे दिखाई दे रहे, प्लस इनमें रेनबो भी दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिले कर रहे थे, मतलब डिले मतलब प्रोकास्ट में डिले करते जा रहे, डरते जा रहे, अभी एक्शन नहीं लेना है, अभी ये नहीं करना है, पहले ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ। तो इस तरह की उनकी एनर्जी हमेशा रही है, मोस्टली प्रेजेंट में उनकी एनर्जी इस तरह से दिखाई जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, तो सिक्स ऑफ स्प्रिंग एक सिक्स ऑफ फैंस का कार्ड है। तो इनको पता है कि इनका एक रेपुटेशन है, इनका एक नेम है, आपका भी एक नेम है और रेपुटेशन है। तो कितने दिन तक डिले कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक न्यूज़ आते हुए आपको दिख रही है, या वो एक चॉइस डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं। मतलब सब चॉइस सब उन्होंने पहले से कर रखी है, लेकिन एक समाज को दिखाने के लिए, एक फैमिली वालों को दिखाने के लिए कि उनकी चॉइस क्या है, चॉइस, वो अपनी चॉइस पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने आपको चूज़ किया। ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे ऐसे लगती है। और क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में भेज दी थी। आपके पर्सन की फैमिली एनर्जीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, और ना ये बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा ना हीलिंग एनर्जीज में भी है, क्योंकि जो इमोशंस है वो इसको हील करने में लगे हैं। ये इंसान अपनी हीलिंग है, फोर ऑफ सॉर्ड जैसा कार्ड है। तो ये पर्सन अभी अच्छे हो सकता है अपने घर में या अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी हीलिंग एनर्जीज, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने फैमिली वालों के साथ में भी करते हैं तो भी हमारी हीलिंग होती है, क्योंकि हम अच्छे मूड में हैं, काम मूड में हैं, रिलैक्सिंग मूड में हैं, तो भी वहाँ पर एक हमारी हीलिंग डेफिनेटली चलती है। और ये मैजिशियन, मतलब ये पर्सन अपनी मैनिफेस्टेशन करने में लगा हुआ है, ये अपनी पावर में डेफिनेटली आ रहे हैं, मतलब यू कैन डू एनीथिंग, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है, हाँ कि ये सब कुछ कर सकते हैं या कर सकती है, क्योंकि इनको पहले खुद पे डाउट था कि ये कर सकते कि नहीं कर सकती है, आपकी तरफ उनका रिश्ता वो एक्शन ले सकते कि नहीं ले सकते, ये रिश्ता निभेगा कि नहीं निभेगा, ये सब चीज़ के डाउट्स बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आते थे, समझ रहे। ये तो अभी इनको लग रहा है कि नहीं, अभी इनको चार्ज लेना बहुत ज़रूरी है, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, उनको समझ रहा है कि वील बहुत ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा गुजर रहा है, ये दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा उनको टाइम देना चाहिए, इसलिए ये चीज़ उनको क्या थोड़ा रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो लाइफ एक्सपीरियंस एक तरह का टावर का कार्ड है, ये टावर कार्ड होता है बेसिकली। तो उनको समझ में आ रहा है कि ये ना लेट गो ऑफ द बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क्स फॉर यू। तो उनकी जो पुरानी कंडीशनिंग थी माइंड में कि ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए या ऐसे ही करना चाहिए कि ये सब ऐसा, तो वो सब एक बिलीफ सिस्टम उनकी चेंज हो रही है बहुत स्ट्रांगली। अ सिचुएशन एंड देयर इज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज, तो मतलब ये कभी भी टावर सिचुएशन में बार बार बोलती हूँ इसलिए आती है ताकि
कुछ ना कुछ लाइफ में रियलाइजेशन हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशन कराने के लिए ही ये ऐसे सब हो रहा है, लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा है, व्हील का कार्ड आ रहा है और डिलेज, मतलब ओवर डिलेज आर ओवर दिखाई दे रहा है, डिलेज आर ओवर, सडन अनएक्सपेक्टेड गुड लक, न्यू कार और ट्रैवल, मतलब अभी पसंद हो सकता है कि कुछ न्यू कार भी बाई करने का सोच रहे हो या उसमें आपको लेने आए, इस तरह का भी कुछ ड्रीम हो सकता है किसी का, जरूरी नहीं हर एक का हो, वैसे कुछ लोगों के केस में बोल रही हूँ। तो ये मुझे आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कि व्हील बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बहुत टाइम गुजर चुका है और इतना टाइम वो भी वो और वेस्ट नहीं कर सकते या इतना टाइम आपको नहीं देना लटका सकते, ये चीज़ शायद उनको बहुत समझ में आ रही है। तो ये चीज़ उनको टावर सिचुएशन दे रही है और ये पता है कि इनका लवर्स कार्ड है, ट्रू लव है, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग चॉइसेस मेक फ्रॉम द हार्ट अ रिटर्न टू गुड हेल्थ, मतलब इनको पता है ये पर्सन मेरे हार्ट से रिलेटेड है, ये मेरा ट्रू लव है, लवर्स है जैसे बोलते हैं ना वैसे, तो उनको समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ की उनकी शायद उनकी एक अवेकनिंग वैसे बोलते हैं प्रोसेस चालू है। तो व्हील का मतलब ये है कि इनको बार बार समय का भी लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा था जो मेरे लिए इतना वेट कर सकता था या इंतज़ार कर सकता था, अब इसको इतना वेट नहीं करवाना चाहिए, ये चीज़ आपके पर्सन को दिमाग में समझ नहीं आ रही। तो भी मैं बार बार बोल रही थी यहाँ पे भी फोर ऑफ ये सॉर्स का विंटर का कार्ड है, यहाँ पे भी है ना ये रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड है, तो यहाँ पर सर डेफिनेटली हीलिंग हो रही है उनकी, मतलब वो बार बार अपनी हीलिंग कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। और हार्ट चक्र का कार्ड है, उनका हार्ट चक्र डेफिनेटली एक्टिवेशन हो रहा हो सकता है, कुछ लोगों को हार्ट में हार्ट बर्न हो रहा हो बहुत ज़्यादा, या आपको है ना अगर आपकी तकलीफ कुछ मेडिकल कंडीशन नहीं है तो मतलब आपको अचानक से हार्ट बर्न होने लग जाए या आपको हार्ट पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होने लग जाए, समझ जाइए कि आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हार्ट चक्र एक्टिवेशन चालू है। अवेटिंग रिजल्ट्स, वो कुछ ना कुछ चीज़ का रिजल्ट अवेट डेफिनेटली कर रहे हैं मुझे ऐसे लगता है। हेल्पलेस एंड होपलेस पास्ट में बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनको लग रहा था कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको पता है सामने सूरज है लेकिन फिर भी मैं भरूँ कि नहीं भरूँ, ये चीज़ उनको बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस लग रहा, शायद वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते थे तो उनको बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस लग रहा था उस वक्त। लेकिन अभी वो आपको रीच आउट करने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और वेल डिजर्व रिवॉर्ड, मतलब उनको पता है कि आप उनकी लाइफ में एक वेल डिजर्व रिवॉर्ड हो, मतलब जो रिवॉर्ड है ना मतलब बहुत मेहनत करने के बाद में मिलता है वो रिवॉर्ड हो अब, और उन्होंने आपने बहुत कोशिश भी की हमेशा पास में उनको रीच आउट करने की, ये चीज़ भी उनको समझ में आता है। और है ना ये कॉन्फिडेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि उनको शायद कॉन्फ्रंटेशन से डर लग रहा हो अभी आपसे कि है ना आप क्या क्या क्वेश्चन बोलोगे या क्या पूछोगे, तो उनके जवाब शायद उनके पास नहीं, तो वो कॉन्फ्रंटेशन से भी एक शायद उनको डर लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये भी एक एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, हर एक के केस की नहीं बोल रही, या खुद के वो शेडोज कन्फ्रंट कर रहे हैं या खुद की ही बुराइयों को वो जो नज़रअंदाज करके रखे तो उनको देख रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। बिलीव एंड सक्सीड, ये डेफिनेटली एक सिक्स ऑफ सॉर्स का कार्ड है, इसमें आगे बढ़ने का कार्ड होता है, बार बार मैं जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ इसमें पर्सन का आ रहा है कि वो आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे स्टेप्स ले रहा है, मतलब बैड फेस से एक गुड फेस में या नॉर्मल फेस में आप बोल सकते हो आ रहे हैं, एकदम कम्प्लीटली गुड फेस में नहीं आए हैं, तो आप एक आप और आपके पार्टनर दोनों जन एक बैड फेस से एक बेटर फेस पे आ रहे हो, मैं ऐसे बोल रही हूँ। और कंट्रोल का कार्ड है, मुझे ऐसा लगा आप लोगों को एक नज़र का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों को या आपकी फैमिली को या आपके पर्सन को, तो आप अपनी बातें किसी से ज़्यादा शेयर मत कीजिए कि है ना घर में कि ये पर्सन ऐसे चेंज हो रहा है या हो रहा है, या आपके पर्सन के ऊपर बहुत नज़र है या आपके ऊपर दोनों की दृष्टि के ऊपर बहुत नज़र है, ये एक मुझे डेफिनेटली लगती है। और ड्रीम्स कमिंग ट्रू, लेकिन आपके ड्रीम्स डेफिनेटली कम फुलफिल होंगे और आपके पर्सन को पता है कि आप उनके ड्रीम कमिंग ट्रू, मतलब एक वेल डिजर्व रिवॉर्ड तो हो ही प्लस एक ड्रीम कमिंग ट्रू हो, आपके पसंद का हार्ट चक्र डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कुछ घर में बार बार बोल रही हूँ, रूम में कुछ डिस्कशन चल रहा है या उनके घर में कुछ डिस्कशन चल रहा है, कुछ मनी फैक्टर को लेके भी चल रहा है उनके घर में, कुछ हो सकता है उनके बिजनेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ये है ना मर्चेंट का कार्ड भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुछ फैमिली बिजनेस या उनके बिजनेस को या उनके जॉब को लेके रिलेटेड कुछ डिस्कशन, उनके ट्रैवलिंग को लेके कुछ डिस्कशन की बात भी हो रही है। मुझे एक फ्रेंडली जेस्चर उनकी तरफ से आते हुए दिखता है आपकी तरफ, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हुए दिख रहा है, और हो सकता है उनके घर में अभी कुछ शादी हो या वेडिंग का कार्ड आ रहा है तो कुछ उसमें बिजी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हाउस के अंदर, क्योंकि हाउस का कार्ड आ रहा है, एक वेडिंग कार्ड आ रहा है, एक जॉयफुल, तो एक घर में या रिलेटिव की किसी की वेडिंग हो सकती है या कुछ फन हो सकता है, या वो खुद की वेडिंग के बारे में सोच रहे हो हाउस में या उनके घर में वेडिंग के बारे में डिस्कशन चल रहा है या बहुत एक्साइटमेंट है वेडिंग को लेके, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हर एक के केस की नहीं, हर सिचुएशन में अलग होती है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ वेडिंग रिलेटेड डेफिनेटली आ रहा है, चाहे आपसे वेडिंग रिलेटेड हो ये घर में ही डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि हाउस का कार्ड भी आ रहा है तो वेडिंग रिलेटेड है, या तो घर में फैमिली है तो उनको फैमिली में वेडिंग हो रही तो सोच के ऐसे लग रहा है कब हमारी शादी होगी, कब मेरी शादी होगी, ये चीज़ भी आपके पर्सन सोच सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।